स्वभाव में आपको कभी भी लगा कि किसी का स्वभाव अटपटा है या कुछ अलग तरह से वो व्यवहार कर? थोड़ा ललित खामोश रहता था और गुमसुम रहता था, बैठे बैठे रहता था, तो मैं जब भी उनके सर पे हाथ रखते थे तो वो यही कहता था, हंस के वो यही बात कहता था, दीदी सब अच्छा हो जाए, बस दीदी सब अच्छा हो जाए, मेरे घर में मेरा फैमिली अच्छी रहे, बस इतना तो कहे, इतना शेर में से वो बोलते थे। और ज़्यादा मुझसे वो बात नहीं करते थे ललित, मुझसे बाकी लोग ज़्यादा बात ज़्यादा बातें करते थे। अम्मा जी भी बैठते थे, अम्मा जी भी यही कहते थे कि ललित का देखो दोबारा आवाज़ आ चुकी है, इसकी आवाज़ जा चुकी थी और काफ़ी दिन से, तो मुझे किसी मुझे तो उनके घर से तो ऐसा कुछ बात नहीं लगा बाबू। मुझे सब कह रहे हैं कि ललित आपने को भी लगा कि थोड़ा कम बोलते थे, तो परिवार में कभी किसी ने बताया कि क्यों कम बोलते थे या उनका व्यवहार क्यों अलग लगता था आपको बाकी परिवार? वो उनका मम्मी एक बार मुझसे बात शेयर कर रहा था कि इनके पापा जी का जब से इंतकाल हुआ है और ये गुमसुम रहता है, बेटा इनको देखो थोड़ा झाड़ा उड़ा लगा दो और पानी उनी पहन के दो, इनको दुआशीष करके दो। तो मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं करके जाऊँगी। तो मुझे भी कुछ कुछ शक होने लगा है कि जो ललित था ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके अंदर कुछ बात थी, मुझे भी शक हो रहा है, क्योंकि उनके जो मम्मी थी, मम्मी हर समय रोते रहती थी और सिसकते रहती थी, वो यही कहते थे कि बस मेरा बेटा ललित है ना थोड़ा गुमसुम रहता है, जब से इनके पापा के डेट हो गया, क्या पता है इसके पापा इनके ख्वाब में आते हैं, पता नहीं क्या आते नहीं आते, देखो थोड़ा सा आप। तो मैं तो किसी के पास जा भी नहीं सकती हूँ अपने बच्चों को लेके झाड़ा फूकी करवाने के लिए, ना किसी ओझा टोनी के पास मैं जा सकती हूँ, मुझे आपकी नरों पे ज़्यादा भरोसा है, आप दुआ करो। तो हाँ ऐसा लगता था, जो ललित बोलता था कि गुड्डी जी आइए उनको पानी दो, तो मुझे पानी मिलता था, नहीं तो सब अपना अपना मस्ती रहता था कामों में। ललित कहता था देखो गुड्डी आ गया, उनको पानी उनी दो, चाय पानी दो, इनसे दुआ हुआ लिया करो, इनसे पढ़ो लिखोगे अच्छे रहोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे आपको। तो वो हम लोग को पानी उनी भी देते तो उनसे ज़्यादा मानते थे, कभी भी एक आवाज़ मारते तो उनके पास सब भाग के आ जाते थे, इतना था।